दोस्तों वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। टाइम हो रहा है 9:39 इन द मॉर्निंग। टाटा मोटर्स के चार्ट को मैं ओपन किया हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक रेंज के अंदर चल रहा है काफ़ी दिनों से। यहाँ पे एक कप एंड हैंडल पैटर्न बनते हुए दिख रहा है और इसका जो है मैं वेट कर रहा था कि यहाँ पे जो है ब्रेकआउट दे। वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा से थे इसमें, बट यहाँ पे एक रिजेक्शन कैंडल बन रही है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ऐसा भी हो सकता है कि जैसे ये रेजिस्टेंस और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस और यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे आ सकता है सपोर्ट टेस्ट करने के लिए, ठीक है। सो जैसे जैसे नैरो रेंज होते जाएगी ये ब्रेकआउट दे सकता है अप या डाउन साइड के लिए। बट सो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि अगर ये ब्रेक देता है तो मैं यहाँ पे बाइंग साइड के लिए कहीं ना कहीं देखूँ इसको। अगर ये लेवल वापस से ये टेकआउट करता है 142 का लेवल तो मैं इसको बाइंग साइड के लिए देखूंगा। और एक दोस्तों रिलायंस को भी देखोगे तो रिलायंस भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे रेजिस्टेंस और यहाँ पे आज जाके ब्रेक किया है। वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा से। सो यस दोस्तों देखते हैं, रिलायंस और टाटा मोटर्स मैंने देख के रखा है। अगर दोनों में से किसी में ऑर्डर लेता हूँ तो मैं आपको अपडेट करता हूँ। फ्रेंड्स अगेन वेलकम बैक। काफ़ी जल्दी मैंने स्क्रीन वापस से ऑन किया। रिलायंस का जैसे कि हम वेट कर रहे थे और यहाँ पे इसने ये जो है ब्रेकआउट दे दिया है। यहाँ पे आप देखोगे तो वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा से। जस्ट मैंने अभी ये जो कैंडल ब्रेकआउट दिया है इसने, ये कैंडल के हाई के ऊपर मैंने बाय ऑर्डर प्लेस किया, दैट इज 2012 के ऊपर, ठीक है। सो काफ़ी लोग रिट्रेसमेंट के ऊपर भी बाय करते हैं, बट मैं प्रेफर करता हूँ कि ब्रेकआउट कैंडल के हाई के ऊपर बाय, तब जाके प्रोबेबिलिटी मेरे बढ़ती है क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर नॉइज़ काफ़ी रहता है। सो आपको जो सूट होता है वो आप तय कर सकते हो। हम वेट करेंगे दोस्तों, ये लेवल अगर ब्रेक होता है तो ऑर्डर यहाँ पे अपना ट्रिगर करवा लेंगे। दोस्तों टाइम हो रहा है 11:21। हमने जो डिस्कस किया था टाटा मोटर्स और रिलायंस के बारे में, यहाँ पे देख सकते हो रेजिस्टेंस और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था। ये जो आज देखो वॉल्यूम कितना था, ब्रेक किया था रिलायंस ने, वापस से सुबह से जो है रिट्रेसमेंट कर रहा था। सो रिट्रेसमेंट के टाइम पे हमने बाय नहीं किया था। वैसे भी मैं हर बार बोलता हूँ कि मैं जो है ब्रेकआउट कैंडल के हाई के ऊपर बाय करना पसंद करता हूँ। आप देखोगे तो ये टेलीग्राम के ऊपर मैंने जस्ट चार्ट भी शेयर किया था ये ब्रेकआउट आने से पहले। सो अगर आप टेलीग्राम पे नहीं हो तो जुड़ सकते हो। सो हमने एंट्री लिया है यहाँ पे रिलायंस में ऑलमोस्ट 25 क्वांटिटी। मैं क्वांटिटीज कम लेता हूँ आपको पता ही है। सो ब्रेक करने के बाद देखो अच्छा सा मोमेंटम यहाँ पे आ चुका है। ये कैंडल वॉल्यूम देखो कितने मस्त आए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। सो 100 के अराउंड प्रॉफिट चल रहा है। ये लेवल के अराउंड मैंने टारगेट लगाया है 2034 के नियर बाय। यहाँ पे स्टॉप लॉस जो है ये स्विंग लो के नीचे लगाया हुआ है। अगर ये यहाँ पे सस्टेन करता है, यहाँ पे वापस से ये ब्रेकआउट जो दिया था इसको रिटेस्ट करके वापस से अपसाइड जाता है तो हम अपना स्टॉप लॉस भी यहाँ पे लाएंगे। सो इनिशियल स्टॉप लॉस तो ये लगाना ही पड़ेगा हमें। सो देखते हैं कैसा परफॉर्म करता है। तो 160 के अराउंड प्रॉफिट चल रहा है, कंटिन्यूअसली मूवमेंट चालू है इसका अभी भी। सिंपल से लॉजिक पे ट्रेड किया है दोस्तों, इसमें कुछ खास बात नहीं है। बट सुबह जो है हम ये लेवल के अराउंड थे जब डिस्कस कर रहे थे तो यहाँ पे कुछ रिट्रेसमेंट चल रहा था इसका। सो बेस फॉर्म हुआ, यहाँ पे डबल बॉटम बनाया, यहाँ पे आप देख सकते हो ऐसा, और यहाँ से अपसाइड मोमेंटम कंटिन्यू कर रहा है। अभी टारगेट अगर आप देखोगे तो 1 आवर के इस पे जाते हैं। ये लेवल के नियर बाय एक रेजिस्टेंस बन सकता है तो इसके पहले ही हमारा टारगेट है 2034 का। ऑल दो ये जा सकता है उसके भी पास अगर मोमेंटम आता है इसमें तो काफ़ी अच्छा आता है, बट हम जो है हमारा प्री डिफाइंड टारगेट लेके चले जाएंगे। अगर स्टॉप लॉस भी हिट होता है तो वो भी एक्सेप्ट करेंगे। वेनसडे और थर्सडे को दोस्तों मैंने वीडियो नहीं डाला था, ट्रेड नहीं किया था, सेटअप वगैरह मिले नहीं थे अच्छे से। सो आपको पता ही है जो लोग मुझे पुराने फॉलो करते हैं, अगर सेटअप नहीं मिलता है तो मैं ट्रेड नहीं लेता हूँ। अगर आप टेलीग्राम पे नहीं हो तो टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो, वहाँ पे मैं अपडेट करते रहता हूँ मेरे पोजिशन स्क्रीनशॉट जो भी रहते हैं वो एट द एंड ऑफ डे, क्योंकि हर बार वीडियो नहीं बना सकते हैं ना दोस्तों। ट्रेड नहीं लिया तो वीडियो नहीं बना सकते, इसके लिए फिर वहाँ पे टेलीग्राम पे अपडेट करते रहता हूँ चार्ट्स वगैरह। तो आप टेलीग्राम पे नहीं हो तो टेलीग्राम पे ज्वाइन करो। सो अभी जो है 180 के अराउंड प्रॉफिट चल रहा है, 500 के अराउंड हमारा टारगेट है। जैसे कि मैंने बोला यहाँ पे अगर ये जो लेवल है ये अभी बैक टू बैक ग्रीन कैंडल बना हुआ है तो यहाँ पे रिट्रेसमेंट हो सकता है, रिट्रेसमेंट के बाद एक अपसाइड मोमेंटम दे सकता है। सो यहाँ पे रिट्रेसमेंट करता है, ये हाई ब्रेक करता है तो हम अपना स्टॉप लॉस जो है ये लेवल के नियर बाय लाने की कोशिश करेंगे, 1:2 रिवॉर्ड करेंगे तब। फ्रेंड्स वेलकम बैक। टाइम हो रहा है 11:40 इन द मॉर्निंग। जैसे हम डिस्कस कर रहे थे ये मोमेंट के ऊपर, रिलायंस जो है यहाँ पे हाई लगाया था इसने ये लेवल का। मैंने जैसे बोला था ये जो ब्रेकआउट लेवल है इसका रेजिस्टेंस यहाँ पे ये रिटेस्ट कर सकता है। एग्जैक्टली वहाँ से रिजेक्शन हुआ, यहाँ पे वीक देख सकते हो आप कितनी बड़ी बनी है, यहाँ पे देख सकते हो, और वहीं से जो है इसने डे हाई वापस से ब्रेक किया है। अगर यहाँ पे इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग देता है तो मैं अपना स्टॉप लॉस जो है यहाँ पे लेके आऊँगा। करंटली जो है 260 के अराउंड प्रॉफिट चल रहा है, 2025 का इसने ऑलमोस्ट हाई लगाया है अभी। सो देखते हैं अभी स्टॉप लॉस तो ट्रेल कर देंगे हम अपना, थोड़ा सा रिस्क जो है वो कम करते जाएंगे, टारगेट जो है वो फिक्स रखेंगे।
सो दैट्स हाउ यू वेट फॉर योर टारगेट। ये फायर्स का ट्रेडिंग टर्मिनल है दोस्तों, यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप फैसिलिटी अवेलेबल है, आप इजीली स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हो। सो वेट करेंगे दोस्तों, ये ऑलमोस्ट काफ़ी अच्छा मोमेंटम आ रहा है। एक चीज़ अगर आप देखोगे यहाँ पे तो क्लियरली अप साइड जब जाता है यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो वॉल्यूम ऐसे अप जाता है, डाउन साइड यहाँ पे इतना जब आया था तो आप देख सकते हो वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज होते जाते हैं, ठीक है। सिमिलरली अभी अप जा रहा है तो वॉल्यूम देखो अप जा रहे हैं। सो ये साइन है कि इसमें बायर जो है वो स्ट्रांग है। सिंपल सा प्राइस एक्शन है दोस्तों, आप इतना फॉलो करोगे तो काफ़ी हो जाएगा। ये अभी इसका हाई वापस से ब्रेक करता है तो हम अपना स्टॉप लॉस ये लेवल के पास लेके आएंगे, ठीक है। इस हिसाब से फिर अपने टारगेट के लिए वेट करेंगे। और दोस्तों अगर आप टेलीग्राम पे नहीं हो तो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम के ऊपर भी मैं चार्ट शेयर करते रहता हूँ अगर हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स रहते हैं तो। जैसे कि आज रिलायंस का मैंने शेयर किया था, आप देख सकते हो यहाँ पे 3500 के अराउंड अपने सब्सक्राइबर्स है। मैक्स नॉलेज अगर सर्च करते हो तो आपको टेलीग्राम के ऊपर चैनल मिल जाएगा, लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो ये सभी जो है हाई ब्रेक करने का वेट करते हैं, ये अगर हाई ब्रेक करता है तो स्टॉप लॉस ट्रेल करेंगे। अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ से हिट भी होता है तो वो भी मैं अपडेट करता हूँ आपको, लॉस भी होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, टारगेट के लिए जो है हम प्रॉपरली रुकते हैं अपने। दोस्तों टाइम हो रहा है 12:46 इन द आफ्टरनून, रिलायंस ने काफ़ी परेशान किया है, यहाँ पे देख सकते हो आप कंसोलिडेशन चल रहा था और अब भी जाके रेंज ब्रेकआउट दिया है इसने, वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छे से है, 300 के अराउंड अपना प्रॉफिट चल रहा है, 25 क्वांटिटी हमने लिए है 2013.5 पे। सो वेट कर रहे हैं हम हमारे टारगेट के लिए, इसने ऑलमोस्ट अभी हाई देखोगे तो 2029 के नियर बाय इसने हाई लगाए। अभी अगर ये ब्रेक करता है तो शायद ही अपना टारगेट दे सकता है, 5 पॉइंट से अपना टारगेट यहाँ पे पेंडिंग है। सो हम क्या करेंगे, अपना स्टॉप लॉस काफ़ी वाइड था इनिशियल लेवल के ऊपर तो हम अपना स्टॉप लॉस जो है अभी काफ़ी कम करेंगे, ऑलमोस्ट ये लेवल के नियर बाय लाएंगे। कॉस्ट पे थोड़ा सा नीचे मैंने स्टॉप लॉस लगाया, अभी आप अगर रिस्क टू रिवॉर्ड देखोगे तो सो रफली अगर आप अभी रिस्क टू रिवॉर्ड देखोगे तो 1:2.8 के नियर बाय हो रहा है, 1:3 के ऑलमोस्ट नियर। सो देखते हैं टारगेट हीट करता है या अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके जाता है। मैंने स्टॉप लॉस ये जगह पे लगाया है दोस्तों, बट ये अगर इसके नीचे कोई क्लोजिंग देता है तो मैं डिसाइड करूंगा एग्जिट करने के लिए कॉस्ट के नीचे, क्योंकि वीक हो सकता है। दोस्तों वेलकम बैक, टाइम हो रहा है 2:35 इन द आफ्टरनून, रिलायंस का चार्ट आप देख सकते हो ओपन है, काफ़ी सुबह से हमें परेशान किया था, ये रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा था, काफ़ी अच्छा खासा कंसोलिडेशन हमने ये ब्रेक होते ही ट्रेड किया था सुबह का जो ये ब्रेकआउट था। और ऑलरेडी मैंने रीजन वगैरह भी अपडेट किया था, टेलीग्राम के ऊपर भी मैंने शेयर किया था। सो आप एरोज देख सकते हो, यहाँ ऑर्डर जो है एग्जीक्यूट हुआ है टारगेट का, ये जो एरोज है फायर्स में दिखते हैं अगर ऑर्डर एंटर और एग्जीक्यूट होता है तो, यहाँ पे आप देख सकते हो एंट्री हुई है, ब्लू एरो जो दिख रहा है यहाँ पे एंट्री हुई है हमारी। सो काफ़ी पेशेंस वाला ट्रेड था आज का, टारगेट अचीव किया, बाद में भी ये कंटिन्यू कर रहा है उसका मोमेंटम जो है आप देख सकते हो यहाँ पे। सो दोस्तों 15 मिनट का अगर आप देखोगे चार्ट तो इसका क्लियरली आपको दिखेगा, मैंने सुबह डिस्कस किया था रेजिस्टेंस और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, आज जाके ब्रेक किया था, वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छे थे सुबह, यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया था मैंने, ये हाई के ऊपर ऑर्डर प्लेस किया था और आप देख सकते हो कंटिन्यूअस तो टारगेट अपना अचीव कर दिया इस लेवल के ऊपर ऑलमोस्ट इसने, ऑर्डर्स में दिखा देता हूँ आपको। सो हमने 512 के अराउंड बुक किया है ट्रेड्स, आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे 11:15 को हमने ऑर्डर लिया था, 2:08 को हमारा ऑर्डर यहाँ पे ऑलमोस्ट एग्जीक्यूट हुआ है टारगेट का, दैट मीन्स 3 आवर्स के अराउंड ये ट्रेड था। काफ़ी पेशेंस चेक किए बट चलता है दोस्तों, पेशेंस हम होल्ड करते हैं, टारगेट या स्टॉप लॉस दोनों के लिए भी अपन रुकते हैं, टारगेट हो या स्टॉप लॉस हो पेशेंस के साथ। सो यस दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर कीजिएगा, नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।